हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने यूनिट वन डिस्कस कर ली है पूरी। अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो यूनिट डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है यूनिट टू। यूनिट टू का ये पार्ट वन है जिसमें मैं कोल्ड क्रीम के बारे में डिस्कस करूँगी। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी और आपको डाउट है तो आप देख सकते हैं उसको, वो ज़रूर आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आप नहीं देखना चाहते तो ऐसा सच कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, ठीक है। कोल्ड क्रीम से स्टार्ट करते हैं। तो आपने इमल्शंस तो पढ़े हैं, कुछ होते हैं ऑयल इन वाटर और कुछ होते हैं वाटर इन ऑयल। तो जो कोल्ड क्रीम है वो कैसी है? वाटर इन ऑयल, मतलब वाटर किस में है? ऑयल में प्रेजेंट है। मतलब कि अगर हम कहते हैं शुगर इन वाटर, ठीक है, चीनी वो पानी में, मतलब चीनी कम है और पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ही वाटर इन ऑयल का मतलब वाटर किस में है? ऑयल में है। तो वाटर का अमाउंट क्या होगा? बहुत कम। ऑयल का अमाउंट बहुत ज़्यादा। ये याद रखिएगा तो आपका पूरा कोल्ड क्रीम का कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इमल्शन है, कौन से टाइप का? वाटर इन ऑयल टाइप, यानी कि वाटर किस में प्रेजेंट है? ऑयल में है। W/O लिख सकते हैं इसको। क्या यूजेस है इसके? मॉइस्चराइजर, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। मेकअप को रिमूव के लिए करने के लिए अब आप क्या आते हैं, आप तो माइसलर वाटर्स और बहुत सारी चीज़ें आने लगती है ना, मेकअप रिमूवर्स सिंपली यही आते हैं। आप कोल्ड क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए। क्लेंजर, वही स्किन को क्लीन करने का काम भी कोल्ड क्रीम का होता है। मेन प्रिंसिपल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोल्ड क्रीम का नाम कहाँ से रखा? कोल्ड का मतलब कि क्या होता है? ठंडा। तो इस क्रीम से कुछ तो ठंडक मिलती होगी और वो ठंडक मिलती है, इसी वजह से हमने इसका नाम रख दिया कोल्ड क्रीम। कैसे मिलती है ठंडक? तो जनरली हम क्या करते हैं, जब कोई भी, जैसे हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग में हम कैसे, फ़ैन अगर कहीं एरिया में, या एसी है, या सिंपली फ़ैन का एग्जांपल रखो, आप कूलर के सामने बैठ जाओगे तो क्या होगा? सारा आपका स्वेट इवेपोरेट होगा तो आपको ठंडक महसूस होगी। कभी कभी हम गर्मियों में मुंह गीला करके लाते हैं और पंखे के नीचे बैठना है तो क्या होगा, हमें ठंडक महसूस होगी। क्यों होगी? क्योंकि पानी इवेपोरेट हो रहा है, वाटर उसमें से इवेपोरेट होगा। कोल्ड क्रीम में यही पूरा कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, जो कोल्ड क्रीम मैंने बताया आपको, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है, मतलब वाटर किसमें? ऑयल में। तो इसमें जो थोड़े अमाउंट में वाटर है ना, जब हम इसको क्रीम को मुंह पे लगाते हैं तो इतना वाटर भी इवेपोरेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्लो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फेस विच लीड्स टू कूलिंग सेंसेशन, मतलब कि हल्के हल्के उस क्रीम का पानी इवेपोरेट होगा, उसका वाटर इवेपोरेट होगा, जिससे हमें ठंडक महसूस होगी। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया? कोल्ड क्रीम। यही इसका मेन प्रिंसिपल है। इमल्सिफाइंग एजेंट, आप कोई भी इमल्शन बनाने के लिए, अब देखो अगर आप घर नहीं है, आप लीजिए तेल, लीजिए पानी, लीजिए, दोनों को मिक्स करिए, मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। पर हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप अगर उस चीज़ में, मतलब ऑयल और वाटर के जो मिक्सचर है उसमें अगर आप कुछ चीज़ इनकॉर्पोरेट कर दें, यानी कि डाल दें, तो हाँ वो घुल जाएगा। वो जो चीज़ें हैं उसका नाम है एक बोरेक्स और एक बीस्वैक्स। ये दोनों इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं जिनका काम होता है इन दोनों फेजेस को मिला के रखने का और एक एक फेस का लिक्विड चीज़ बनाना, यानी कि हमारा लिक्विड वाटर और ऑयल सेपरेट ना दिखें, एक ही चीज़ दिखे, हमें बार बार मिक्स करने की या शेक करने की नीड ना हो, ठीक है। आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए एक कोल्ड क्रीम की? पहला, पीएच, हम अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, अगर हमने बहुत ऐसे देख लिया, बहुत एल्कलाइन लगा दिया तो क्या होगा, जलन मचेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा पीएच ऑप्टिमम होना चाहिए, जो है 4.6 से 6 के बीच का, बेसिक हल्का सा, एसिडिक नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, हमारा इतना पीएच होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इसकी क्या होनी चाहिए? ऑप्टिमम होनी चाहिए, मतलब इतना ना थिक हो कि निकल ही नहीं रहा है, रब ही नहीं हो रहा स्किन में, और ना इतना वाटरी हो कि गिरे जा रहा है। आई थिंक 4.6 से 6 हमारा एसिडिक पीएच होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। शुड नॉट बी स्टिकी, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए, मतलब फेस पर लगाया से चिपचिप फील नहीं होना चाहिए, अपीयरेंस अट्रैक्टिव हो, ऐसा ना हो कोई ऑयली लगाया फेस पे, अट्रैक्टिव अपीयरेंस हो। हमारी जो स्किन की एपिडर्मिस है, स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, तो हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर पाए, एपिडर्मिस को पेनिट्रेट कर पाए इजी। नॉन इरीटेंट हो, मतलब इरीटेंसी शो ना करे, बिल्कुल इरीटेट ना करे हमारी स्किन को, हमारी स्किन को सुझा ना दे, सूज ना जाए हमारा वो एरिया, और ठंडक तो महसूस हो ही, क्योंकि अगर ठंडक ही नहीं होगी तो वो कोल्ड क्रीम कैसी, ठीक है। फॉर्मुलेशन, ये थोड़ा सा याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मुलेशन हमारे दो फेज हैं, ऑयल एक्वस। अब आप ये सोचेंगे कि अरे एक्वस तो इतना सारा है, ऑयल इतना कम है, जबकि तो वाटर इन ऑयल है। तो इसमें जो अमाउंट है ना वो ज़्यादा लिया है, इसका अमाउंट बहुत कम कम लिया है कंपेरेटिवली, ठीक है। देखते हैं अब इसमें, पहला है मिनरल ऑयल, कितना लिया? 45
बीस वैक्स 16, बोरेक्स 1, वाटर 100, प्रिजर्वेटिव QS, परफ्यूम QS, समझाती हूँ उसको मैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो परसेंटेज वेट बाय वेट के अकॉर्डिंग है, यानी कि दोनों क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ग्राम्स के फॉर्म में है, ml के फॉर्म में नहीं है, लिक्विड नहीं है कोई चीज़, ठीक है। तो ये वेट बाय वेट की फॉर्म में है, परसेंटेज निकाली मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया। कैटेगरी है मतलब इनके यूजेस क्या है, मतलब मिनरल ऑयल का क्या यूज़ है, बीज वैक्स का क्या यूज़ है, ठीक है। मिनरल ऑयल कितना लिया, 45% वेट बाय वेट। बीज वैक्स कितना लिया, 16% वेट बाय वेट। मिनरल ऑयल का काम क्या है, एक तो सॉल्वेंट का काम है और एक इमोलिएंट, ठीक है। बीज वैक्स का क्या काम है, थिकनिंग एजेंट, मतलब एक थिकनिंग वाली क्या टेक्स्चर देगा, और इमल्सिफायर जैसे मैंने बताया था पहले। एक्वस फेज में है बोरेक्स, जिसको हमने बहुत कम लिया है, ये भी इमल्सिफायर है, इमल्सिफायर हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इतना ज़्यादा अमाउंट में, तो ये इसलिए यूज़ हुआ है कि दोनों को जोड़ने के लिए हमने दोनों की कुछ कुछ चीज़ें डाली। ये भी इमल्सिफायर का काम है, वाइटनेस थोड़ा सा वाइट मतलब थोड़ा सा गोरापन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वाटर एक सॉल्वेंट है तो यूज़ करेंगे। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव हम डिपेंड करेगा हमारी फॉर्मुलेशन कितनी है उसके हिसाब से हम प्रिजर्वेटिव डालेंगे। बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ज़्यादा डालनी पड़ेगी, कम है तो ऑफकोर्स कम डालनी पड़ेगी, तो ये डिपेंड करता है। एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स ना हो, बैक्टीरिया ना, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं, बेवजह तो डालते नहीं। परफ्यूम इसलिए डालते थोड़ी खुशबू आए, तो वो भी हमारी डिपेंड करता है कि कितना फॉर्मुलेशन बनाया है उस हिसाब से कितना रिक्वायरमेंट है। याद करने का तरीका बताती हूँ, एम याद रखिए, एम एम का उल्टा क्या है, एम कैसे बनाते हैं, एम ऐसा होता है, एम का उल्टा कैसे होगा ऐसा, तो एम डब्ल्यू बी बी, जैसे बी एम डब्ल्यू होती है ना, बी एम डब्ल्यू से याद रखिए। बी से बोरेक्स, बी से बीज वैक्स, एम से मिनरल ऑयल, डब्ल्यू से वाटर, बाकी तो परफ्यूम्स और प्रिजर्वेटिव है। बी एम डब्ल्यू पी, पी तो याद रहेगा क्योंकि ये सब चीज़ें तो हर फॉर्मुलेशन में डलती हैं, बाकी चीज़ें मतलब हर फॉर्मुलेशन में परफ्यूम नहीं पड़ता है, मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक्स में मेजरली पड़ता है, ठीक है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं पूरी चीज़ को, और जो इसका अमाउंट है वो कंपेरेटिवली कम है, तो 45, 16, 1 और बाकी तो नॉर्मल है, ठीक है। प्रोसीजर देखते हैं, पहले हम कौन सा फेज बनाएंगे, दोबारा हम कौन सा फेज बनाएंगे। अब देखिए, बीज वैक्स और मिनरल ऑयल किसका कौन सा फेज था, ऑयल फेज, और दूसरा क्या था, एक्वस फेज, ठीक है। तो हमने पहले ऑयल फेज बनाया, कैसे बनाएंगे, मिनरल ऑयल लिया और बीज वैक्स लिया, दोनों को हीट करा, ठीक है। किसमें, हमने कोई वेसल ही जैकेटेड वेसल, मतलब डायरेक्टली हमने हीटिंग मतलब गैस पर नहीं रख दिया, कोई पानी या बॉयलर लिया, उसके ऊपर हमने ये बीज वैक्स और मिनरल ऑयल को हीट करा, और कितना टेम्परेचर पे, 75 डिग्री सेल्सियस पर, और उसे हीट होने दिया, ठीक है। दूसरी तरफ हमने एक और कंटेनर लिया जिसमें हमने बोरेक्स और प्रिजर्वेटिव पानी डाला, ठीक है। पहले हमने प्रिजर्वेटिव को पानी में डाल दिया, फिर इसके अंदर बोरेक्स डाल दिया, ठीक है। प्रिजर्वेटिव इन वाटर एंड इसको बोरेक्स को हमने डिजोल्व कर लिया, सेम टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब हल्के हल्के क्या करेंगे, सोली एड एक्वस फेज, मतलब हल्के हल्के एक्वस फेज को किस में डालेंगे, ऑयल फेज में, क्योंकि ऑयल ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए हम ऑयल को नहीं डालेंगे। दूसरी बात एक याद रखिएगा, कभी भी शहद गिराइएगा एक कंटेनर से और दूसरी तरफ पानी गिराइएगा एक कंटेनर से, क्या ईजिली रिमूव होगा, वाटर, क्यों होगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है और हनी की बहुत ज़्यादा है, तो हम कितना भी हनी को बाहर निकाल लें, थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट तो उसमें रह ही जाएगा, चिपका ही रह जाएगा। वाटर के केस में नहीं, हमने एक बार पोर करा तो पूरा इवेपोरेट, मतलब थोड़ा बहुत रहेंगे ड्रॉपलेट्स, वो भी हट जाएंगी, हनी के केस में नहीं होगा। वैसे हम ऑयल को हम एक्वस फेज में नहीं डालेंगे, बल्कि एक्वस फेज को हम ऑयल में डालेंगे, जिससे हमारा वाटर एक्वस फेज प्रॉपरली रिमूव हो जाए, ठीक है। समझ आया ये कंसेप्ट, नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगी। फिर ये सब करने के बाद हमने क्या करा, एक्वस फेज को, इस वाले फेज को इसमें डाला हल्के हल्के, अब इनको हम ठंडा करेंगे। अब तक क्या था, गर्म कर रहे थे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, हम इसको हीट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, कूल करेंगे बिल्कुल हाफ टेम्परेचर में, 35 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे कूल करेंगे, उसमें परफ्यूम ऐड कर देंगे। प्रिजर्वेटिव ऑलरेडी डाल चुके हैं, देख लीजिए सब कुछ डाल दिया। यूजेस क्या है, पहला है मेकअप रिमूव करना, जो भी ड्राई स्किन है जिसकी भी, उसको मॉइस्चराइज करना। लिप बाम की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसके क्रैक्ड लिप्स होते हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं बाम की तरह। और मेंस के केस में अभी तक हमने क्या पढ़ा, फीमेल्स के देखा, ऑल्दो मेंस भी सनस्क्रीन सॉरी मेकअप पुट ऑन करते हैं,
स्किन तो मतलब मॉइस्चराइजिंग एजेंट और बाम की तरह तो सबको यूज़ करना पड़ता है। मेंस के केस में एक और स्पेशल इनका एडवांटेज है कि शेविंग क्रीम को ऑल्टरनेटिव हम एक इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है, क्या कहते हैं, कोल्ड क्रीम यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वैनिशिंग क्रीम की बात करेंगे, आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक वैनिशिंग क्रीम की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।